أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ये अपने माइक kindly माइक अपने म्यूट कर ले। अच्छा जनाब, आज जो कल हमने जो लफ्जी तर्जुमा किया था जिसमें ज्यादातर हज के हवाले से और रमजान के रोजों के हवाले से और सहरी और अफ्तारी के औकात के हवाले से और हज के कुछ बयानात आए थे, जिस तरह पहले भी हमने गुजारिश की थी कि ये जो सूरह बकरा की ज्यादातर आयतें हैं ये इंसान इस्लाम के इब्तदाई अय्याम की आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को बुनियादी तौर पे उस जमाने की जो मुआशरत के मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये हमारा DSL थोड़ा स्टेबल नहीं है, मैं एक दूसरा कनेक्शन करता हूँ, शायद उसमें थोड़ा टाइम लगे, मैं रिकनेक्ट कोशिश करता हूँ कि रिकनेक्ट हो जाऊँ। ओके जी, मेरे ख्याल में आप सब लोग कनेक्टेड है। शबीर साहब जी सर, कनेक्टेड है। असल में ये मैं DSL में प्रॉब्लम कल भी आ रहा था तो मैंने यूनिवर्सिटी का जो यूडोर रोम है उसकी तरफ शिफ्ट किया, इसके कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे सिग्नल नजर आ रहे थे। ये कल भी मुझे मैसेज दे रहा था कि शायद देयर इज इंटरनेट इज अनस्टेबल। अच्छा, तो हम गुजारिश में ये कर रहा था कि ये जो सूरह बकरा की अक्सर आयतें जो है ये इब्तदाई इस्लाम के इब्तदाई जमाने की है जिसमें ज्यादातर मुशरिकीन मक्का की और जो अहले किताब मुसलमानों के अलावा जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे उसके बारे में और फिर मामलात के बारे में उनके इब्तदाई जमाने में बहुत सारी चीज़ें जो इब्तदाई तौर पे अरब के मुआशरत में थे थी और जायज़ भी थी, बतदरीज इस्लाम ने उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको इस्लाम के बुनियादी उसूलों को अडॉप्ट करने की तरफ ले आए। तो बहुत सारी चीज़ें इब्तदाई अय्याम में, इस्लाम की इब्तदाई अय्याम में किसी हद तक जायज़ थी। मिसाल के तौर पे एक वक्त में रोज़े में ये भी इब्तदाई दिनों में था कि इफ्तारी के बाद भी सोने तक का जो वक्त था उस दौरान खाने के लिए इजाज़त नहीं थी इब्तदाई दिनों में, लेकिन बाद में जब ये आयतें नाजिल हुई कि अफ्तारी के बाद जो है वो आप अल्लाह के फजल से खा भी सकते हैं और अपने दूसरे मामलात भी कर सकते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात भी, तो इसी तरह इब्तदाई दिनों में ये भी एक तरीक़ा था कि जो लोग एहराम की सूरत में बेतुल्ला की तवाफ़ करते थे तो वो अगर किसी भी ज़रूरी हाजत के लिए घर आते तो वो अमूमी तौर पर बेतुल्ला एहराम की सूरत में घर के पिछवाड़े से और घर के पिछले रस्तों से कई दफ़ा नकब लगा के छुप के आते थे, जो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि अगर तुम्हें आना भी है या तुम्हें तवाफ में शामिल भी होना है तो तुम अपने घरों के दरवाज़ों से दाखिल हो और वहीं से निकलो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो एक लिहाज से अरब की रवायात में थी, इब्तदाई तौर पर इस्लाम ने किसी हद तक इसको अलाउ ज़रूर किया लेकिन बतदरीज उनके अंदर जो है ये चीज़ें डालने की कोशिश की ताकि वो इस्लाम की असल कवानीन को और असल जो उसूलों को अडॉप्ट करें। और यह ज़ाहिर एक इवोल्यूशन प्रोसेस था, इसमें ये मुमकिन नहीं था कि ऑल ऑफ ए सडन उनके अंदर अचानक ये सारी तब्दीली एक वक्त में आती। तो अल्लाह का जो एक निज़ाम है और एक दस्तूर है कि वो इंसान के साथ, परसों भी हमने पढ़ा कि वल्ला युरीदुकुमुल युस्रा वला युरीदुकुमुल उस्र,
ये अल्लाह ताला तुम पे आसानी चाहता है, तुम पे मुश्किल और दुश्वारी नहीं चाहता। तो इसमें बहुत सारे मामलात जो हमारे सामने आ रहे हैं वो आज के इस्लामी अकदार, इस्लामी वैल्यूज से बाज़ औक़ात हमें थोड़ा अलग भी नज़र आएंगी, लेकिन ये चूंकि इब्तदाई दौर के अहकामात है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में बतदरीज तब्दील भी होती गई, तो इसलिए बहुत सारे अहकामात आजकल के हवाले से शायद हमें ज़्यादा जो है वो रिलेवेंट भी ना लगे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कुरान का अपना एक शान नज़ूल भी है और मौके नज़ूल भी है कि जिस वक्त कोई आयत नाजिल हुई है, कुछ आयतें ऐसी है जिनका इतलाक सिर्फ और सिर्फ उस खास मौके पे, जिस मौके पे आयतें नाजिल हुई है वो उस वक्त के लिए और उस मौके के, और उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतों को बाद में, उसको तनसीखात भी कहते हैं कि उन आयतों को बाद में तनसीख भी किया और उनकी आयतें, उनके बदले जो है वो नई आयतें भी अल्लाह ताला ने वारिद फरमाई। तो एक तो ये, दूसरी जो आयतें हैं जो उसूल बयान करता है मिसाल के तौर पे नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, तो वो आफाकी उसूल है और वो ता क़यामत रहेंगी। तो इसमें इस शान नज़ूल को समझना, क्योंकि हमारे साथ क्लास में ज़्यादातर बच्चे होते हैं तो मैं तफसीर मैं इसकी नहीं जाता, मैं इनको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ताकि वो इस वक्त जो मतमे नज़र है या ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये बच्चे जो है बुनियादी अरबी की बुनियादी लुगत को समझे और अरबी की बुनियादी अल्फाज को समझे। लेकिन चूंकि बाज़ औक़ात एक एक वाक़या सामने आना चाहिए कि ये जो एक शान नज़ूल है या मौके नज़ूल है आयत की उसका ज़रा, तो इसलिए बहुत सारी बातें अगर आपकी आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि जी ये चीज़ तो इस तरह नहीं है, तो ज़ाहिर है वो एक एक मौके के हवाले से ठीक होती है बाद में। मिसाल के तौर पे जब इब्तदाई तौर पे शराब को और इस तरह की चीज़ों को जब अल्लाह ताला ने हराम फरमाया तो इब्तदाई अय्याम में ये कहा कि नमाज की हालत में आप शराब न पिए, बाद में वला तकरबुस्सलात इल्ला वअंतुम सुकारा फी सुकारा के जब आप किसी नशे की हालत में हो तो आप शराब न पिए, तो ये बिल्कुल इब्तदाई ज़माने का की आयतें थी जब लोग नमाज में भी उस वक्त शराब की आदत थी अहद जाहिलियत से, तो लोग शराब की हालत में नमाज भी पढ़ते थे, तो इस पर अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई। लेकिन बाद में जब ये आयत नाज़िली के जी इन्नमल खम्र वल मैसरा वल अज़्ज़ाबा वल अज़्नाम रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तत्तकून, कि ये जितने भी शराब है, जितने भी जुआ है, जितना भी मुख्तलिफ किस्म के शैतानी आमाल है, इससे आप बचे, ताकि इस ये शैतान के आमाल है और इससे आप बचे, तो इसके बाद शराब जो है मुकम्मल तौर पर हराम हुआ। तो कुरान में बहुत सारी आयतें बतदरीज आई है उस वक्त के हवाले से, उस खसूसी वक्त के हवाले से, तो लिहाजा बहुत सारी आयतें बाद में तनसीख भी हुई है। तो थोड़ा बच्चों को ये समझना चाहिए कि एक हुक्म जो एक वक्त में आया है वो शायद बाद में उस हुक्म को अल्लाह ताला ने तब्दील भी किया हो, लेकिन वो हुक्म उस खास वक्त के हवाले से और ख़ासकर जो सूरह बकरा की आयतें हैं वो ज़्यादातर इस्लाम की इब्तदाई अय्याम से है, जबकि इस्लाम नया नया आया और लोग ज़्यादातर काफिर से काफिर थे या मुशरिक थे और वो मुसलमान हुए, तो लिहाजा अल्लाह ताला की एक सुन्नत है कि इंसान को एक तरीके से अपने रस्ते पर लाया और उनके लिए आसान बनाया दीन को और दीन को समझने को, तो इसलिए ये थोड़ा बताना ज़रूरी था कि बहुत सारी चीज़ें चूँकि आज के ज़माने में हमें नज़र नहीं आती, तो शायद बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आए कि जी ये जो बात है इसका क्या सयाक व सबाक है, तो ये मैंने मुनासिब समझा कि हम इस पर बात करें। तो आज का जो है हम शुरू करते हैं आज की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो आयतें हैं जो 190 से आगे की आयतें हैं, ये ज़्यादातर, ये जो आयतें हैं ये ज़्यादातर जहाद से मुतालिक है, और जहाद बुनियादी तौर पे इस्लामी नुक्ते नज़र से जहाद उस जंग को कहते हैं जो मुसलमान काफिरों के ख़िलाफ़, मुशरिकों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, और उस वक्त लड़ते हैं जब काफिर और मुशरिक या तो उनके लिए इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनते हैं या उनकी ज़िंदगी के लिए कोई मुश्किल बनाते हैं, उनके लिए कोई थ्रेट होते हैं, तो उस सूरत में जो जंग लड़ी जाती है
उसको जहाद कहते हैं। जहाद बेसिकली जहद से निकला है, और जहद का मतलब है कोशिश, जहाद माना बड़ी, बहुत बड़ी कोशिश। लेकिन इस्तेलाह में जहाद वो जंग है जो मुसलमान काफिर और मुश्रिकों के खिलाफ लड़ते हैं अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी के लिए। वकातिलू कत्ल से है, वकातिलू माना लड़ो, कातिल उसको कहते हैं जो कत्ल करता है, मकतूल उसको कहते हैं जो कत्ल हो जाता है, और कताल कहते हैं लड़ने को, कताल लड़ने को कहते हैं। कातिलू माना लड़ो यानी जहाद करो, फी सबीलिल्लाह सबील मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि रस्ते को कहते हैं अल्लाह, अल्लाह के रस्ते में। वकातिलू फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रस्ते में लड़ो। अल्लदीना किन लोगों से लड़ो, अल्लदीना उन लोगों से युकातिलूनकुम जो तुमसे लड़ते। तो पहला उसूल ये फरमाया कि तुमने उस वक्त तक नहीं लड़ना है जब तक कि तुम्हें वो लड़ने के लिए मजबूर न करे, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट न हायल करे, तुम्हारे दीन के लिए कोई मुश्किल न बने, तुम्हारी जिंदगी के लिए कोई तुम्हारे। तो पहला उसूल जो जहाद के हवाले से अल्लाह ताला ने जो फरमाया वकातिलू और लड़ो जहाद करो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते में, अल्लदीना उन लोगों के साथ युकातिलूनकुम जो तुमसे लड़ते हैं जो तुम्हें कत्ल करने के लिए। वला तहतदू पहले भी हमने एहतदाद कहते बढ़ने को ज्यादती करने को, वला तहतदू और ज्यादती मत करो, यानी ज्यादती का मतलब ये है कि तुम अपनी तरफ से खामखा उनके साथ लड़ो नहीं, झगड़ा मत करो। हाँ अगर वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए निकलते हैं तो फिर तुम्हें भी हुक्म है कि उनके साथ लड़ो। वकातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लदीना तुम उन लोगों के साथ अल्लाह के रस्ते में लड़ो जो तुम्हारे तुमसे लड़ते हैं। वला तहतदू मगर ज्यादती न करो, यानी किसी इवन अगर कोई काफिर है मजबूर है लाचार है, कोई काफिर इवन बच्चा है औरत है मजबूर है, उस पर आपने कोई भी हाथ नहीं उठाना है, उसको कत्ल नहीं करना है। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअ्तदीन, अब ये एक जनरल प्रिंसिपल है अल्लाह ताला का कि बेशक अल्लाह ताला युहिब माना मोहब्बत, युहिब माना हुब माना मोहब्बत, किसी के मोहब्बत करना, युहिब महबूब जिससे मोहब्बत कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, और हुब जो है वो मोहब्बत को कहते हैं। सो ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता, नहीं चाहता अल्लाह अल मुअ्तदीन, मुअ्तदीन कहते हैं इर्तिदाद करने वालों को, ज्यादती करने वालों को, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, और उनको कत्ल करो हैसो जहां पे भी सकिफ्तुमूहुम तुम उनको पाओ, यानी अगर वो तुम्हारे साथ एक दफा लड़ने के लिए निकले तो फिर जहां जहां भी वो तुझे मिले उनके खिलाफ तुम जिहाद करो। वखरिजूहुम और उनको निकालो, खारिज करना निकालना, वखरिजूहुम उनको निकाल दो, मिन हैसो वहां से जहां अखरजूकुम जहां से तुम्हें उन्होंने निकाला, यदि अगर किसी भी वजह से जो है कुफार या मुशरिकीन आपके इलाके पे आपके मुल्क पे आपके शहर पे कब्जा करे तो ये हुक्म है कि उनसे लड़ो और उनको वहां से निकालो। तो वखरजूहुम और निकालो उनको, मिन हैसो अखरजूकुम जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। वल फितना तो अशद मिन अल कत्ल, फितना कहते हैं गुमराह करना, दीन में ऐसी बातें करना जो दीन के रस्ते में रुकावट बन जाए। तो इब्तदाई अय्याम में ये लोग मुसलमानों के दरमियान तरह तरह के फितना परदाजियां करते थे, कभी उनके दीन के खिलाफ बातें करते थे, कभी उनको गुमराह करने के लिए। तो इसको फितना बुनियादी तौर पे गुमराह करना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये कत्ल करने से भी ज्यादा बढ़कर है। जब ये आपके आपके मजहब के अंदर ऐसी तावीलें पेश करे, ये आपके मजहब के अंदर ऐसे बातें पेश करे, लोगों के अंदर गुमराही फैलाए, तो फिर इनके खिलाफ उठना और इनसे जहाद करना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो वक्त जो वल फितना तो, और फितना यानी दीन में गुमराही पैदा करना अशद्दो सख्त है मिनल कत्ल खूनरेजी से कहीं बढ़कर, यानी दीन में गुमराही पैदा करना फसाद और कत्ल और खूनरेजी से कहीं बढ़कर है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मखसूस जगहों पे मिसाल के तौर पे मस्जिदुल हराम
ये जो बैतुल्ला है जिसको हम खाना काबा भी कहते हैं, इसको मस्जिद हराम भी इसलिए कहते हैं कि खाना काबा के हदूद में जंग करना या कत्ल मुकातला करना या खून बहाना ये हराम है, इसलिए इसको मस्जिद हराम भी कहते हैं। यानी मस्जिद हराम इसलिए इसको कहते हैं कि इसके हदूद में किसी किस्म का जंग, किसी किस्म की जंग मुकातला। लेकिन यहाँ हुक्म ये हुआ वला तुकातिलूहुम, और मत लड़ो उनसे, कातिलूहुम लड़ो, वला तुकातिलूहुम उनसे मत लड़ो, इंदल मस्जिद हराम, इंदल नजदीक मस्जिद, मस्जिद हराम, मस्जिद हराम। यानी अगर मस्जिद हराम के करीब ये आपसे लड़े तो अल्लाह का हुक्म है कि मस्जिद हराम के करीब लड़ाई जो है आम हालात में जायज नहीं है, जब तक के मुल्क के खलीफा से ऐसे हालात आ जाए, खुदा न करे, जिस तरह एक दफा कुछ खारिजीन जो है जिन्होंने मस्जिद बैतुल्ला पे कब्जा करने की कोशिश की, तो उस वक्त फिर उनको निकालने के लिए बाकायदा उनके खिलाफ जहाद का हुक्म भी हुआ और उनको मारा भी गया। लेकिन आम हालात में अल्लाह का हुक्म है कि मस्जिद हराम के अंदर या करीब खाना काबा के करीब लड़ाई, हत्ता युकातिलूकुम फीह, अब यह हुक्म वही जो मैंने बात अर्ज की, हत्ता उस वक्त तक युकातिलूकुम के वो तुमसे लड़े फीह उसमें, ये तुमने उनसे लड़ाई में पहल नहीं करनी मस्जिद हराम के करीब, बैतुल्लाह के करीब। हाँ अगर वो तुमसे लड़े तो फिर तुमने तलवार उठानी है, अपना असला उठाना है, उनसे लड़ना है। और ये मैंने गुजारिश की कि एक वक्त में, आज से शबीर साहब को याद होगा कि हम बच्चे, छोटे बच्चे थे कि मस्जिद हराम पे कुछ लोगों ने, खाना काबा पे फूजकशी की थी खारिजीन ने, और उस वक्त उस जमाने में जो है वो चाहते थे कि वो खाना काबा को अपने तहवील में ले ले। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ वहाँ जो खलीफा था या जो शाह था उसने उनके खिलाफ, जो वहाँ के काजी उल-कज़ा था, जो चीफ जस्टिस था, उसने फिर हुक्म दिया कि इनके खिलाफ अब कत्ल करना इनको जायज़ है क्योंकि ये बैतुल्लाह पे इन्होंने लश्कर कशी किया है। तो ऐसी सूरत में अगर कुफार और मुशरिकीन अगर वो बैतुल्लाह पे लश्कर कशी करे और ये ख़तरा हायल हो जाए या लाहक हो जाए कि शायद अगर हम जहाद न करे और उन पे हमला न करे तो मुमकिन है कि बैतुल्लाह हमारे हाथ से निकल जाए नऊज़ु बिल्लाह, तो इस सूरत में फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अगर वो तुम्हारे साथ मस्जिद हराम में कत्ल मुकातला करे, तुम्हारे साथ जहाद करे, फिर तुम्हारे लिए भी जायज है कि तुम तो वला तक्तुकातिलूहुम इंदल मस्जिद हराम, तुम उनके साथ मत लड़ो मस्जिद हराम के नज़दीक, हत्ता यहाँ तक युकातिलूकुम फीह कि वो तुम्हें कत्ल करे या तुमसे लड़े इसके अंदर, अगर वो तुम्हारे साथ मस्जिद हराम में लड़े तो फिर तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम भी बैतुल्लाह के अतराफ में, फिन कातलूकुम फ़क्तुलूहुम, फ़इन बस अगर कातलूकुम वो तुम्हारे साथ लड़े फ़क्तुलूहुम तो तुम भी उनको मारो, कज़ालिका ये इसी तरह है जज़ाउल काफिरीन काफिरों की सजा। यानी अगर आप देखें तो इस्लाम का जो बुनियादी उसूल यहाँ पे बताया गया है कि इस्लाम कभी भी किसी के लड़ने के लिए पहल में कभी भी, इसलिए इस्लाम को दीन सलामती का दीन और इस्लाम कहा गया है कि इस्लामी तालीमात में कहीं पे भी लड़ाई में पहल करने का हुक्म नहीं है। जहाद में उस वक्त तक नहीं करना है जब तक आप के लिए, आपकी दीन के लिए कोई मुसीबत बनाए, आपको अपने घर से बेदखल करे, मस्जिद हराम में कोई मुसीबत आपके लिए बनाए, तो अल्लाह का हुक्म है कि फिर आप भी जहाद के लिए हथियार उठाए, अदरवाइज किसी भी लड़ाई में पहल करने का कहीं पे भी अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। और अल्लाह ताला इसको फिर भी कहते हैं कि लड़ना इनके लिए इसलिए है कि ये इनकी कुफर की नाफरमानी की जजा है, सजा है, अगर हम न करें तो फिर ये इनका कुफर बढ़ता जाए। फ़इन इंतहाओ माना बाज रहे, इंतहा का अगर वो इंतहा करे यानी वो बाज रहे, फ़इन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो फिर बेशक अल्लाह ताला तो बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी अगर वो अपने इस अमल से बाज रहे और ख़त्म करे अपने अमाल को तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। वकातिलूहुम और लड़ो उनसे, हत्ता ला तकून फितनतुन, अब ये वो बात ऊपर जो की थी कि वो तुम्हारे लिए दीन में फसाद और फितना क्रिएट करते हैं, तो फिर जब तक
वो दीन में तुम्हारे लिए फसाद क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो तब तक आपने उनसे लड़ना है। अगर आप समझे कि उनके इन आमाल से दीन के अंदर फितना और फसाद हो सकता है, तो फिर उस सूरत में उनके साथ लड़ना जो है उस फितने को खत्म करने तक। मिसाल के तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में खारिजीन ने जब बगावत की और उन्होंने इस्लाम के खिलाफ वोट आया, तो फिर उनके खिलाफ लश्कर कशी की और उनको मारा गया, क्योंकि अगर वो न करते तो इस्लाम एक बहुत बड़े फसाद के में गिरफ्तार हो जाता। तो ऐसी सूरत में अल्लाह का हुक्म है कि उस फसाद और उस फितने को खत्म होने तक आप जिहाद जारी रखे, वकातिलूहुम, और लड़ो उनसे, हत्ता उस वक्त तक, ला तकूनु फितनतिन, कि वो जो फितना है वो न खत्म ना हो, वो यकून दीन लिल्लाह, और अल्लाह का दीन जो है वो कायम हो जाए, यानी अल्लाह का दीन हो जाए। तो जब तक अल्लाह का दीन सरबुलंद ना हो, अल्लाह का दीन कायम ना हो, और वो फितना जब तक खत्म ना हो उस इलाके में जहाँ फितना और बगावत हो रही हो, तो उस वक्त तक उनके खिलाफ लड़ना हमारे लिए फर्ज है। फैनता हो, अगर वो बाज रहे, बस अगर बाज रहे, फला उदवाना, अगर वो आपके इस लश्कर कशी के बाद हथियार डाल दे और सुलह कर ले और जिजिया गैर मुस्लिम आपको दे दे और आपकी हुकूमत को मान ले, तो उस सूरत में अल्लाह का हुक्म है कि फिर उनको माफ करे। फलाओ दुआना, पर ज्यादती नहीं करे, इल्ला अल ज़ालिमीन, हाँ अगर उनमें से फिर भी कुछ जालिम ऐसे हैं जो हाथ हथियार नहीं डालते, जो अल्लाह की कवानीन को मानते नहीं है या उस फितने से बाज नहीं आते, तो फिर उनके खिलाफ लड़ना आपके लिए जायज है। लेकिन अगर वो हथियार डाल दें और वो बाज रहे और अपनी चीजों से बाज रहे, तो फिर अल्लाह का हुक्म है कि फिर उनसे आप ज्यादती न करें, उनको माफ करें, मगर अगर कोई जालिम है तो उनको फिर छोड़ना नहीं है। अश्शहरुल हराम, शहरुल हराम ये वो महीने हैं जो जिसमें अल्लाह ताला ने हज का जो महीना है ज़िलक़ादा और ज़िलहज का, इसको नाम दी, हज का खासकर जो ज़िलहज है इसको शहरुल हराम कहते हैं, कि इसमें चूंकि हज के दरमियान किसी किस्म का फितना, किसी किस्म का झगड़ा हाला जायज नहीं है, तो इसलिए इसको शहरुल हराम भी कहते हैं। और इस्लाम में कुछ महीने ऐसे हैं जिनको हुरमत के महीने कहा जाते हैं, जिसमें दो तीन महीने हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और गालबन मुहर्रम भी है। तो ये जो महीने हैं, अश्शहरुल हराम अदब का महीना, बिश्शहरिल हराम अदब के महीने के मुकाबले, यानी अदब के महीने में हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अदब से लोगों से पेश आए, हम किसी किस्म की ज्यादती किसी के साथ न करें, हम जबर न करें, हम जुल्म न करें। उल हुरुमात उल क़िसास, हुरुमात हुरमतों का क़िसास बदला है, यानी अदब की चीजें एक दूसरे का बदला है, यानी हम बाकायदा इन अदब के महीनों में अदब से पेश आए। अगर वो अदब से पेश आते हैं तो हम भी अदब से पेश आए, किसी से बदतमीजी न करें। फमने अहतदा अलैकुम, यानी ये काफिरों के लिए भी हुक्म है कि वो अदब के महीनों में, हुरमत के महीनों में वो भी लोगों के साथ हुरमत और अदब के साथ पेश आए। तो अगर वो हमारे साथ अदब, हमारी दीन का एहतराम करते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनाते, इन महीनों में कोई फितना नहीं करते, तो फिर हमारे लिए भी लाजिम है कि हम उनके जान व माल की हिफाजत करें, उनके आबरू की हिफाजत करें, उनको प्रोटेक्शन दें। फमने हदा, और अगर कोई ज्यादती करे, यानी कोई अगर इसमें ज्यादती करे, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, यानी अगर इसमें कोई आप पे लश्कर कशी करे, आपके साथ कोई ज्यादती करे, आप पे हाथ उठाए, फहतदु अलैहि है, तो तुम भी उस पे ज्यादती करो। बेमिसले महतदा, बेमिसले मिसाल के महतदा जो उसने ज्यादती की, यानी अगर वो तुम पर इन हुरमत, वैसे हुक्म ये है कि इन हुरमत के महीनों में मुसलमानों को अगर काफिर मुशरिक आपके साथ कोई पंगा नहीं लेते, कोई फितना नहीं करते, तो आप भी उनकी इज्जत करें। इस पे अल्लाह ने कहा कि हुरमत का बदला हुरमत है, अदब का बदला अदब है। अगर आपके साथ वो अदब से पेश आते हैं, तो इवन अल्लाह का हुक्म ये भी था कि इन दिनों में आप जहाद को भी मुअख्खर करें और इन दिनों में आप न लड़े। आप देख रहे हैं ना, कई दफा ये जो हमारे जंगी इलाके है उसमें रमजान के दौरान वो कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, ये हुरमत का महीना है, हज के महीने में हम नहीं लड़ेंगे, ये हुरमत का महीना है। तो इस सूरत में
आपके लिए भी, मुसलमानों के लिए भी हुक्म था कि अगर वो इन महीनों में आपकी अदब करते हैं, इन महीनों की, और ये अदब के महीने याद रखे कि ये इस्लाम से पहले भी थे, ये इस्लाम से पहले भी हुर्मत के महीने थे, दो तीन महीने, तीन महीने गालबन, जिसमें मुशरिक भी इन महीनों में रोजे भी रखते थे, बेतुल्ला का तवाफ भी करते थे। जाहिर है उस वक्त जो उनके उनके जो बुत थे और जो उनके वहां पे खुदा खुदा थे, जो उनके गॉड्स थे, उनकी वो पूजा करते थे और तवाफ करते थे। तो लिहाजा ये जो हुर्मत का जो महीने थे, ये इस्लाम से पहले भी थे, तो इसलिए इन दिनों में मुशरिकीन भी और काफिर भी इज्जत और एहतराम करते थे एक दूसरे के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अदब के महीनों में तुम उनका उसी तरह एहतराम करो जिस तरह वो तुम्हारे करते हैं, लेकिन अगर वो तुम पे ज्यादती करे, इन महीनों में तुम पे लश्कर कशी करे, तुम्हारे कोई फितना करे, तुम्हारे लिए कोई फसाद करे, कोई बगावत करे, तो तुम भी उनके साथ उसी तरह पेश आओ और अपनी दिफा करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तक्वा अल्लाह से डरने को कहते हैं। वत्तकु, डरो अल्लाह, अल्लाह से। वाहलमु, और जान लो, इलम जानना, वाहलमु जान लो, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह है, महल मुत्तकीन, तक्वा और परहेजगार, तकवा करने वालों या परहेजगारी करने वालों के साथ। तो अल्लाह से डरो, ज्यादती मत करो, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं है कि वो आपके दीन के अंदर फितना पैदा करे, बगावत करे, आपके लिए कोई ऐसी आजमाइश पैदा करे कि लोगों के अंदर जो है वो फसाद बर्पा करे। तो उस सूरत में अगर ये हुर्मत के महीने भी है तो तब भी हुक्म है कि आप उनके खिलाफ जहाद करें, लेकिन अगर वो अदब से पेश आते तो फिर अल्लाह का हुक्म है कि तुम भी उसी तरह अदब से पेश आओ। वनफिकू, निफाक मैंने पहले कहा था, खर्च करने को कहते हैं। वनफिकू, खर्च करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में। ये एक और हुक्म है कि अल्लाह के रस्ते में जब तुम जहाद पे जाते हो या जहाद पे नहीं जा सकते तो तुम अल्लाह के रस्ते में खर्च करो। वला तुल्कु बिअयदीकुम इलत्तहलक, वला तुल्कु मत डालो, वला मनन डाला, तुल्कु डालना, वला मनन नहीं, बिअयदीकुम अयद कहते हैं, यत कहते हैं बेसिकली हाथ को, ऐद उस यद बना हाथ, ऐद ऐद बना हाथों, यानी उसका जमा है, ऐदीकुम तुम्हारे हाथ, यानी अपने हाथों को मत डालो, इलत्तहलका तोलक हलाकत, हलाकत की तरफ, यानी तुम अल्लाह के रस्ते में न खर्च करते हुए अपनी माल को अपनी हलाकत के लिए इस्तेमाल मत करो। तो गोया इससे ये साबित हुआ कि जब हम अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम अपने आप को हलाकत से बचाते हैं, हम अपनी जान का एक एक जो है सदका देते हैं। वहसिनु, और नेकी करो, वह अहसिनु अहसन मन नेकी करना, हसनात नेकिया, अहसन नेकी, हसन मन नेकी, वह अहसिनु और नेकी करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, युहिब दोबारा आया, दोस्त रखता है, मोहब्बत करता है, मुहसिन एहसान करने वाला, नेकी करने वाला, मुहसिनीन उसका जमा हो गया, तो मुहसिन करते हैं नेकी या एहसान करने वाले को, और मुहसिनीन यानी नेकी करने वालों को। तो अल्लाह ताला इसको अल्लाह के राह में खर्च करने को एहसान और नेकी समझता है और कहता है, और वो ये कहता है कि अपने मालों को न खर्च करके तुम अपने आप को हलाकत में मत डालो, बल्कि अल्लाह के रस्ते में जहाद में खर्च कर लिया करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे नेकी में ये डाल दे, और बेशक अल्लाह ताला जो है वो नेकी करने वालों को पसंद करता है। वातिमु, और पूरा करो, पहले भी ये वर्ड आया था, इतमाम कहते खत्म करने का, इतमाम हुज्जत, हुज्जत की अख्तिताम को, और अतिमु मतलब कि तुम खत्म करो, पूरा करो, अलहज्जा हज को, वल उम्रा और उम्रे को, लिल्लाह अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे हज और उम्रे का हुक्म आया कि हर, इससे पहले चूंकि अहद जाहिलियत में जो मुशरिकीन और काफिर थे वो भी हज और उम्रा करते थे, लेकिन उनका मकसद अल्लाह की खुशनूदी नहीं होती थी, बल्कि वो जो उनके बुत थे और जो उन्होंने वहां खाना काबा में 399 बुत रखे थे, और लास्ट टाइम में भी हमने सफा उम्रा की सही के हवाले से बात की कि बहुत सारे बुत ये सफा और मरवा के पहाड़ियों के दरमियान रखे गए थे, और ये जब दौड़ते थे, सही करते थे, तो कई दफा अपने
अपने हाथों में वो बड़े बुतों की शबीह उठा के दौड़ते थे। और तो अल्लाह ताला ने जब उम्रे में सही को का हुक्म दिया तो उसमें इंशाल्लाह जब आप लोग बड़े होंगे और जाएंगे तो उसमें एक मकाम आता है जहां पे एक सब्ज लाइट लगी हुई है जहां पे आपको दौड़ना होता है। इसका इसको जो है एक खास लफ्ज मुझे अभी भूल गया हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा दौड़ के उधर जाना होता है। ये वो मकाम है जहां पे कुफार अपने बुतों को सीने से लगाकर दौड़ दौड़ के यहां से जाते थे। तो अल्लाह ताला ने बाद में मुसलमानों पे ये लाजिम किया कि जब आप सही सफा और मरवा के अंदर करते हैं और वो सब लाइट के करीब आते हैं तो आप उधर देखेंगे कि सही करने वाले जो मुतबिरीन है वो वहां पे दौड़ते हैं। वो अल्लाह का हुक्म है कि ये कुफार के उस अमल की जो है नफी है कि हम खुदा की खुशनुदी के लिए दौड़ रहे हैं जबकि तुम अपने बुतों की खुशनुदी के लिए दौड़ रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि हज और उमरा सिर्फ और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करो। इससे पहले जो भी हज और उमरा होता था वो अपने बुतों और उन नाखुदाओं की रजा के लिए करते थे। फैन अहसर तुम, और अगर तुम हिसार, आपको पता है घेरने को कहते हैं, हिसार जो है वो इसको किले को भी कहते हैं, वो अहसर तुम अगर तुम कहीं घेरे जाओ, तुम्हें कोई घेर ले, फमस्तई सरा, तो फमस्तई सरा मिनल हज, ये तो जो कुछ मुयस्सर हो तुम्हारे पास कुर्बानी के लिए, चूंकि उस जमाने में ये था कि जंग भी साथ साथ होती थी, ये लोग अपने मुसलमान जो है वो अपनी हज भी अदा करते थे तो कई दफा उनका मुहासरा भी करते थे ये जो कुफार थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे ये लोग रस्ते भी रोक ले तो जैसी भी कुर्बानी, मिनल हदिये कुर्बानी, हदिया कहते हैं कुर्बानी को, हम कहते हैं ना जी फला हदिया अदा करो, तो ये बेसिकली कुर्बानी या नेमुल बदल को कहते हैं। मिनल हदिये तो जैसा भी मुमकिन हो तुम्हारे साथ कुर्बानी मुमकिन हो वो तुम करो। वला तहलिकू, हल्क जो है ये अरबी में सर मुंडवाने को कहते हैं। जब आप उधर जाएंगे, हल्लाक कहते हैं नाई को, सर मुंडवाने को हल्लाक कहते हैं, वहां पे लिखा होगा जब इंशाल्लाह उम्रे में और हज पे जाएंगे तो उधर जो ही आप हरम शरीफ से या मस्जिद नबी से बाहर निकलते हैं तो वहां लिखा हुआ हल्लाक, हल्लाक खमसर रियाल, हल्लाक अशर रियाल, तो वो 5 रुपए 10 रुपए में सर मुंडवाते हैं, उन्होंने अपने रेट लिखे होते हैं। तो हल्क जो है वो सर मुंडवाने को कहते हैं, हल्लाक सर मुंडवाने को वाले को कहते हैं। वला तुहलिकू, और अपना सर मत मुंडवाओ, रुसकुम अपने रूस से कहते सर को, हत्ता यबलुगल हजु महल्लहु, हत्ता यहाँ तक यबलगु पहुंचे अल हजु कुर्बानी की जगह, महल्लहु और उसको आप हलाल करें। अच्छा, आम हालात में जब इंशाल्लाह आप हज पे जाएंगे और आप एहराम की हालत में होते हैं तो जब तक आप कुर्बानी नहीं करते, और कुर्बानी या तो आप खुद करते हैं या फिर आपको जिस जरिए से करते हैं वो आपको वक्त बताते हैं कि 12 बजे नॉर्मली 12 बजे के बाद, वो कहते हैं कि जी आप 12 बजे के बाद अपना एहराम जो है, तो कुर्बानी के बाद हुक्म है कि आप अपना सर मुंडवाओ और कुर्बानी के बाद अपना एहराम जो है वो हम हटाते हैं और फिर जाके बेतुल्ला की तवाफ ज़ियारत करते हैं, जो 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 हज का सबसे अहम रुकन है, और उसमें फिर सफा मरवा और फिर वो सारी उसमें इबादत होती है। तो नॉर्मल हालात में अल्लाह का हुक्म ये है कि उस वक्त तक आपने सर मुंडवाना नहीं है कि ये जो 6-7 है कि आप सफा मरवा कर सबसे पहले आप मीना में जाते हैं, मीना में आप जो है तैरते हैं, उसके बाद आप जो है उसके बाद मुजदलिफा में जाते, और आप मुजदलिफा से पहले आप दिन को जो है मशरुल हराम जिसको कहते हैं, जो आज का सबसे बड़ा रुकन है, उसमें जाके खुतबा सुनते हैं, पूरा दिन गुजारते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर आप मुजदलिफा में रात गुजारते हैं, फिर मुजदलिफा से अगले दिन आके शैतान को मारते हैं, फिर जाके कुर्बानी करते हैं और उसके बाद एहराम हटाते हैं, उसके बाद आप अपना सर मुंडवाते और फिर तवाफ़ ज़ियारत और सही करते। तो ये कोई 7-8 5 दिन तकरीबन ये रहता है जो आज के मनासिकात है, और ये कोई 7-8 एक्टिविटीज़ है। फिर आप अगले दिन दूसरे शैतान को मारते हैं, फिर अगले दिन तीसरे शैतान को, और इसी तरह आखिर में आप ज़ियारत तवाफ़ ज़ियारत करके हज के जो मराइल है वो तकरीबन 5 दिन के लिए होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। 4 रातें 5 दिन कुछ इस तरह, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सबको
اس میں قابل کرے سب. آپ بچوں کو اللہ یہ سعادت دے کہ آپ وہ جلد اپنے والدین کے ساتھ عمرہ اور حج میں شریک ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ عمومی حالت میں جب تک قربانی نہ ہو تو آپ اپنے سر کو منڈوا نہیں سکتے اور نہ احرام کو ہٹا سکتے. ولا تحلقوا, تو تم اپنا سر نہ مت منڈواؤ. روسکم, اپنے سروں کو, اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ. حتی یبلغ الحدی محلہ, جب تک کہ تم قربانی کو اپنی جگہ تک نہ پہنچاؤ اور حلال نہ کرو اس کو. فمن کانا, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مریض ہوں گے, وہ قربانی کی جگہ تک نہیں پہنچ سکیں گے, تو ان کو پھر اللہ نے ایک رستہ دیا ہے. فمن کانا منکم مریدن, اور اگر جو کوئی ہے تم میں سے, منکم تم میں سے, مریدن مریض, او بھی اذن, اور اس کو کوئی تکلیف ہے. اذا کہتے ہیں تکلیف کو, ایزا جو ہے تکلیف پہنچانے کو. اذا مانا, اگر اس کو کوئی تکلیف ہو, پھر راسی ہی, اس کو سر منڈوانے سے, یعنی اگر اس کو حل کرنے سے یا سر منڈوانے سے کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے, وہ فدیہ دے دے. وہ سر نہ منڈوائے تو یا تو وہ دو روزے رکھے, یا پھر مسکین کو ففدیہ تو من صیام, تو وہ روزوں کا فدیہ رکھے, بدلہ دے. اور صدقتن, یا کوئی صدقہ دے دے, خیرات دے. او نسکن, یا کوئی ذبح یا کوئی چیز قربان بعد میں اس کو ذبح کرے. فاذا امنتم, جب تم امن میں ہو, جو تم مطمئن ہو, جب تم تمام ان حج کے مناسکات سے فارغ ہو, تو پھر صدقہ دو, خیرات دو, روزہ نفلی رکھو, یا کسی چیز کو بعد میں ذبح کرو. تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ تم پہ کچھ نہیں ہے. اس کو ہم عام عرف میں دم کہتے ہیں, کہ اگر حج کے کسی بھی مناسک کو ادا کرنے میں آپ کو کوئی ایک شرعی عذر ہو, تو اس کو آپ, مثال کے طور پہ اگر آپ تکلیف کی وجہ سے سر نہیں منڈوا سکتے, یا آپ صفحہ مروا نہیں کر سکتے, تو اس صورت میں پھر آپ فدیہ دے, یا مسکین کو کانا کھلائے, یا روزہ رکھے, یا کوئی قربانی دوسری کرے. فیضا من تم, جب تم مطمئن ہو, یعنی جب تم واپس آ جاؤ, تمہاری تکلیف رفع ہو جائے اور تم تسکین اور سکون سے ہو جاؤ, تو اس کو تم جو ہے یہ کرو. اس کے آگے تفصیل آئے گی, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ہمارے پاس آخری دو منٹ ہے, تو میرے خیال میں اس کو ختم کرتے ہیں. دعا کرے, اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اللہم اجعلہ لی امام و نورا و ہدا و رحما, اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت, ورزقنی شفاعت وانا اللیل واطراف النہار. یا رب کریم, جو کچھ پڑھا سنا, اس پہ عمل کرنے کو, اس کو سمجھنے کو اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ان تمام بچوں کو جو اس وقت اس درس میں شامل ہے, ان کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے, ان کے مفہوم کو سمجھنے اور اس کو, اس پہ عمل کرنے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے اور زندگی کا اثاثہ بنانے, ہم سب کو اس میں قبول کر. یا اللہ, ہمارے گھروں میں, ہماری زندگی میں قرآن کی روشنی اور برکتیں لائے. یا اللہ, ان بچوں کو دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرے اس قرآن اور اس عبادات کے ذریعے, اور ہمارے, ہم سب کو, ہمارے اہل خانہ کو, ہمارے والدین کو, گھر کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر, آفت اور وبا اور بلا سے نجات دلائے. یا رب کریم, اس وقت جو پوری دنیا اور پورا عالم اور پورا پاکستان اور ہمارے بہت سارے دوست اور احباب اس وقت کرونا کی اس عالمی وبا میں مبتلا ہے, رب کریم تم سب پہ اپنا رحم فرما, رب کریم سب کو معاف فرما, رب کریم سب کی گناہوں سے درگزر اور صرف نظر فرما. یا اللہ, بہت سارے دوست ہمارے فوت ہو گئے ہیں اس وبا کی وجہ سے. پچھلے ہفتے ہمارے دو دوست, جو ہمارا ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال یونیورسٹی کا تھا, ڈاکٹر داؤد خٹک, بیچارہ بہت جلدی, چار دن وہ بیمار رہا اور چار دن میں وہ شہید ہو گیا. اسی طرح ہمارا ایک دوسرا دوست جو آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا سی کاز یونیورسٹی میں, وہ بھی خالد صاحب آرکیٹیکچر